बाजू में एक महिला अपने बच्चे को लिए बैठी हुई थी। बच्चा मम्मी के पर्स से खेल रहा था, पता नहीं कहां से उसके हाथ में 1 रुपए का सिक्का आया और बच्चा निगल लिया। अब वो महिला चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। तभी पीछे से एक आदमी उठकर आया, उसने बच्चे को उठाया, आगे दो मारा, पीछे दो मारा, ऊपर दो मारा, नीचे दो मारा, 1 रुपए का सिक्का बाहर निकल गया। उस महिला ने उस आदमी का धन्यवाद दिया और पूछा, आप डॉक्टर हैं क्या? आदमी ने कहा, नहीं, मैं बैंक में लोन रिकवरी ऑफिसर हूं। बहुत बढ़िया मोहित जी, आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही, बस लेकिन एक ही बात से मैं थोड़ा दुखी हुआ। अच्छा, आपने कहा कि केवी सर ऐसा इंजेक्शन देके जाएंगे जिसका असर 3 साल तक रहेगा। इससे पता चलता है कि आप अगले साल हमें नहीं बुलाएंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें सर, 1 साल तक ही असर उसका रहे। और आप चाहते हैं हम हर साल आए, तो एक बार तालियां बजा दो, मैं शुरू करता हूं। हाँ रोहित, कोई टेंशन लेना नहीं। जैसा मेरा परिचय आदरणीय सर ने बताया, मैं हास्य का कवि, बहुत कम देर आपके बीच में हूं, और जितनी भी देर मैं यहां पर हूं, मैं सिर्फ आपका ध्यान चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। जैसा सर ने बताया कि हमारे पास कोई यंत्र तंत्र नहीं है, ये 2 तरफा मामला होता है, बात जहां तक पहुंचती रहे बताइए रहेगा। मैं पहली 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। स्वागत है। कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। हाँ, अब सारे तनाव भूल करके हमारी हास्य की दुनिया में आइए। हमारे सुपरस्टार अगर आदरणीय कुमार विश्वास जी इस मंच पर हैं, तो आज की शाम निश्चित तौर पर अविस्मरणीय शाम होगी, है ना? और सुनाता हूं, क्योंकि आप एकदम टेंशन छोड़ दो, क्योंकि आदमी धन के पीछे तो तब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। मुझे याद है, एक बहुत बड़े बादशाह की मौत हुई, बात पहुंचे तो आगे से लेकर पीछे तक मुझे शुरू करना। एक बहुत बड़े बादशाह की मौत हुई, वो अपनी पत्नी के लिए 1000 करोड़ रुपए छोड़ के मरा। उसकी पत्नी ने घर के नौकर से शादी कर ली। उस दिन नौकर ने कहा कि मुझे अब तक ऐसा लगता था कि मैं मालिक के लिए काम करता हूं, आज समझ में आया मालिक मेरे लिए काम करते थे। अच्छा। तो सुनाता हूं, तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम दो घर मिल जाए तो कुछ और नहीं हो सकता फिर इससे बेहतर। और यहां आकर बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, मतलब मैं सबसे ज्यादा खुश हूं यहां आकर। और उसका रीजन ये है कि मैंने देखा कि गोदरेज प्रॉपर्टीज, IDFC बैंक हमारे स्पॉन्सर्स में है। बहुत खुश हुआ क्योंकि परसों जो हमने शो किया था उसमें स्पॉन्सर रेमंड वाले थे, तो प्रोग्राम के बाद हमें एक एक दर्जन सूट पीस दिए गए। बहुत अच्छे, तो IDFC बैंक वाले, गोदरेज प्रॉपर्टीज वाले आए हो तो कवियों से मिलकर के जाइएगा, बस यही कहना चाहते हैं हम। अच्छा देखो, किसी भी बात का बुरा मत मानना, हम कवियों की आदत होती है, और जिसकी जो आदत होती है वो छूटती है क्या? नहीं छूटती। अभी मैं फ्लाइट में आ रहा था, बाजू में एक महिला अपने बच्चे को लिए बैठी हुई थी। बच्चा मम्मी के पर्स से खेल रहा था, पता नहीं कहां से उसके हाथ में 1 रुपए का सिक्का आया और बच्चा निगल लिया। अब वो महिला चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। तभी पीछे से एक आदमी उठकर आया, उसने बच्चे को उठाया, आगे दो मारा, पीछे दो मारा, ऊपर दो मारा, नीचे दो मारा, 1 रुपए का सिक्का बाहर निकल गया। उस महिला ने उस आदमी का धन्यवाद दिया और पूछा, आप डॉक्टर हैं क्या? आदमी ने कहा, नहीं, मैं बैंक में लोन रिकवरी ऑफिसर हूं। हास्य तो हर जगह है, लेकिन जब मैं सुबह भी आया था सब सेटअप वगैरह देखने के लिए, पूरी कमिटी से मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगा था। लेकिन इतने अच्छे फ्लैट्स हैं, मैं वीरेंद्र जी से भी कह रहा था, मोहित जी से भी कह रहा था कि मतलब मेरा मन किया कि मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। हाँ, तो फिर सर ने पूछा कि कितना पेमेंट लेते हो एक कवि सम्मेलन का? मैंने कहा ये 1.5 लाख रुपया। बोले इस जन्म में तो फिर संभव नहीं है। लेकिन देखिए, मेरी जो मैंने यहां ऑब्जर्व किया कि एक पंक्ति में मैं अपनी बात रखता हूं, कि मैं पूरे कॉम्प्लेक्स घूम करके मुझे लगा कि अगर इसका नाम सिर्फ शांति निकेतन भी होता ना, तो इसकी प्रेस्टीज बहुत बड़ी होती। अच्छा है। अच्छा है। लेकिन ललिता जी, आप भी सुनेगा, अंतिम रूप से एक नई कविता सुना रहा हूं। सुमित जी, सब लोग, आपका होली का पर्व हमने मनाया, आप सुनिए। हम लोगों ने क्लास बना रखे हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, और पूरी जिंदगी हम सारा काम अपने क्लास के हिसाब से करते हैं।
क्या बात, हमें गाड़ी लेनी होती है तो हम अपने क्लास के हिसाब से लेते हैं, बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना होता है तो अपने क्लास के हिसाब से कराते हैं, है ना। सारा काम आप क्लास के हिसाब से करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन त्योहार कभी भी क्लास के हिसाब से मत बनाइए। बहुत अच्छे रोहित, क्या बात है बेटा, बहुत अच्छे, वाह। तब मैं आपको सुनाता हूं अमीर और गरीब के बीच का जो फर्क है वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। अंतिम रूप से एक मिनट आपके मांगता हूं, सुनिएगा कि गुलाल मुट्ठी में लेकर चेहरे पर वो डाल जाता है, रंग भरे गुब्बारे हमारी ओर उछाल जाता है, वाह। क्रोध से तमतमा उठता है चेहरा, जाने किस लिए, कोई बच्चा गरीब का जब होली में रंग लगा जाता है। बहुत मुश्किल से आती है हंसी मासूम चेहरों पे, बहुत मुश्किल से आती है हंसी मासूम चेहरों पे, के हक उनको भी है जीने का इन बेबाक शहरों में, क्यों हर किसी की किस्मत में त्योहार नहीं होते, क्यों इंसानों के साथ इंसानों से व्यवहार नहीं होते। बहुत अच्छे, क्या बात है। माना के उस गरीब ने बिन पूछे ही रंग दिया, होली के दिन इन दूरियों को कम कर दिया। अगली पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहिए कि माना कि उस गरीब ने बिन पूछे ही रंग दिया, होली के दिन इन दूरियों को कम कर दिया, पर ये तो सोचो उसने हमको इस काबिल तो समझा, अमीरों को इंसानों में शामिल तो समझा। अंतिम चार पंक्तियां सुना के अपना स्थान लूंगा। आपको लगे रोहित शर्मा ने ठीक ठाक ओपनिंग कर दी हो तो मुझे तालियों से विदा करना कि अगर हम भी उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा देते, अगर हम भी उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा देते, थोड़ा सा गुलाल लेकर चेहरे पर लगा देते, उसकी भी होली औरों की तरह रंगीन हो जाती और सारी दूरियां इन होली के रंगों में विलीन हो जाती। सारी दूरियां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां।